नमस्कार। आज खुंडी माता ट्रैक का तीसरा दिन, सुबह के लगभग 6:45 बज चुके हैं। तो 6:45 ही बज चुके हैं, तो हम बस चढ़ाई लगाने वाले हैं। और आज का मौसम थोड़ा अच्छा है। हम लगभग 7:30 बजे के करीब जो है ऊपर डल में पहुंच जाएंगे। अभी सुबह का दृश्य बहुत ही प्यारा लग रहा है, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का आज अभी सुबह का व्यू है। बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिले, बड़े ही मनमोहक झरने। और ऊपर जो आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, खुंडी माता डल लेक बिल्कुल लास्ट चोटी पे, और नीचे चांजू नदी जो बिल्कुल लेक से निकलती है। खूबसूरत सुबह का नज़ारा, ये जितनी भी आप छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, सब की सब जड़ी बूटियां हैं। ये यहाँ से आगे जड़ी बूटियां ही मिलती हैं आपको। इसमें कई प्रकार की धुनियाँ और इंसानों को ठीक करने वाली दवाइयां मिलती हैं। एक बार मैंने भी यहाँ से काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ ली थी, देखते हैं इस बार मिलती है कि नहीं। आखिरकार हम जिसकी तलाश कर रहे थे, खुशी की, बिल्कुल वो माता का दरबार कहते हैं यहाँ से, वो आप बर्फ देख रहे हैं, ग्लेशियर जिसे स्थानीय बोली में हेंट कहा जाता है। ये माता का पुल कहते हैं इसे। Thank you.
चंजुआल की अद काले अद शिवजी रे ना इस साइड ही बजता क्या और की हो आगे की दी
डल में जो चेल्ले हैं उनके द्वारा डल तोड़ दिया गया है। उसके बाद अब हम घर वापसी जा रहे हैं। टाइम 10:15 हो चुके हैं और हम शाम को 5 बजे 6 बजे तक जो है नीचे चांजू तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चांजू नदी का उद्गम स्थल जो है वो डल लेक से है, ये काली डल लेक से। तो आपको उसका भी ये दर्शन कराते हैं कहाँ से ये चांजू नदी निकलती है। तो अभी हम वापस आ चुके हैं रियाली में। सुबह यहाँ से चले थे हम 4:15 बजे और ऊपर पहुँच गए थे हम करीब 7:30 बजे के करीब, और फिर वापसी की हमने 10 बजे चले थे। और अभी हम जाम में भी फंसे एक जगह, तो जाम में फंसने के कारण थोड़ा सा 15-20 मिनट लेट हो गए। और अभी करीब 12:30 हो रहे हैं, हम वापस जो है रियाली पहुंच चुके हैं। लेकिन बहुत ही थकान देने वाला सफ़र रहा है ये। थकान भी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा सफ़र किया आज और बड़ा फास्ट, टांगें दर्द कर रही हैं। तो देखते हैं कितने बजे तक हम चांजू माता में पहुंच सकते हैं। तो ये मेरा टेंट था 2 पर्सन का। अभी मैं अपने टेंट में जब तक दूसरे साथी आते हैं तब तक आराम कर लेता हूं। फिर देखते हैं यहां से कितने बजे चलना है। रियाली से हम करीब 1:30 बजे जो है चांजू माता के लिए नीचे वापस जा रहे हैं। और वापस आते हमें एक न्यूज़ मिली कि न्यूज़ बहुत ही अच्छी नहीं है कि आते टाइम एक औरत की यहाँ पर पत्थर गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है ये औरत जो थी वो भरमौर के लिल से थी, जिसकी उम्र 40 से 45 साल थी। सुनकर बहुत ही दुख लगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ से उस औरत की गिरने से जो है मृत्यु हो गई। आप ये जो नाला देख रहे हैं, ये जो रास्ता है, यहाँ पे आगे बैग वाले भाई साहब दिख रहे हैं, ये सामने वाले नहीं, वो सामने जो सबसे आगे उस नाले से नीचे पत्थरों में लुढ़कती हुई वो औरत नीचे नदी के किनारे पहुँच गई। सुनकर बहुत दुख लगा और साथ में डर भी लग रहा था, क्योंकि नाले में जो है बहुत सारे पत्थर थे जिन्हें देख देख कर हमें खुद भी डर लग रहा था। आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे, वो यहाँ तक यहाँ गिरी थी वो औरत। यहाँ से पुलिस वालों ने उन्हें ऊपर लाया।